कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, मतलब ग्रेटफुलनेस नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध हो गया। पंखा कम करूंगा आवाज। तो ऑथर ऐसा कहते हैं कि आपके पास में यदि ग्रेटफुलनेस है तो आपके पास में जो भी है वो आपको अधिक मात्रा में मिलेगा, और जिसके पास में ग्रेटफुलनेस नहीं है उसके पास जो भी है वो वापस ले लिया जाएगा। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है और यही नियम है, सृष्टि का यह नियम है। यदि आपको कुछ पाना है, आपको कुछ मिलाने का है, तो आपको देना पड़ेगा। और कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना होता है, और उसके बिना जादू की डोर हम काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिससे आप जीवन में चाहते हैं। तो हमको धन्यवाद देना है, जहां 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 हम दे सकते हैं वहां धन्यवाद देना है। जो भी हमारे पास में है उसके बारे में हमको धन्यवाद देने का है, राइट। हमने ये भी देखा कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। हम नॉलेज तो बहुत मिलाते हैं मगर अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्लीकेशन है ना, वो बहुत जरूरी है, वो भी पावर है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आप ज्ञान बहुत लेते हैं मगर उसके लिए अप्लाई नहीं किया तो फायदा नहीं है। आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। वॉट एवर यू गिव यू विल रिसीव, समान मात्रा में, इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। बंद करो उनको, ठीक है ना। हाँ कम करो स्पीड, ठीक है, मैं चालू ढूंढ। जब मैंने अपनी नियामतों गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपको ये देखना है कि जब मैंने मेरी ब्लेसिंग, हम हरदम ये बोलते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। तो जब ऑथर ऐसा बोलती है कि जब मैंने अपनी, और विली नेल्सन जो गीतकार है उन्होंने भी ये बोला था कि जब उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू किया तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो आपको क्या करना है, रोज अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स लिखना है कि 10 ब्लेसिंग्स आपको क्या, आपको वरदान क्या मिले हुए हैं, एंड व्हाट एवर ब्लेसिंग्स यू हैव गॉट यू हैव टू एक्नॉलेज एंड यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दोस ब्लेसिंग्स। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन में जोर से। जब आप हर नियामत, नियामत मतलब ब्लेसिंग्स के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। रोज आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने का है, 10 ब्लेसिंग्स पर डे, एंड देन एट द एंड यू हैव टू रीड एंड देन यू हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार पढ़ने के बाद। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, हमने जादुई पत्थर का एक क्रिएशन किया कि एक स्टोन, एक रॉक, छोटा सा जादुई पत्थर लेना है और वो अपने हाथ में रखने का है, और जो भी आपने दिन भर जो भी अच्छी बात हो चुकी है वो बात को अपने को दोहराने का है, उसको याद करने का है और उसको थैंक यू बोलने का है और बाद में सोने का है। अपना मकसद ये है कि जब आप सोते हैं तो अपने दिमाग में पॉजिटिव बात जानी चाहिए, और क्योंकि हम जब सोते हैं तब हमारा माइंड काम करते रहता है, हमारा ब्रेन काम करते रहता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव बात दिमाग में डालना है और सोने का है ताकि हमारा सुबह जो है वो अच्छा हो जाए। आकर्षण के नियम के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, आप जो भी कोई सोचते हैं लोगों के बारे में क्या कहते हैं तो वो अपने जीवन में आ, आप उसको अच्छा कहेंगे तो आपके जीवन में अच्छा आएगा, आप उसको बुरा कहेंगे तो आपके जीवन में बुरा आएगा। और संसार के महानतम लोगों ने यही किया हुआ है, उन्होंने हमको यही सिखाया है कि जो भी आप जो जिसके भी साथ आप जो भी बोलेंगे वो आपको वापस मिलेगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मराठी में बोलते हैं ना शुभ शुभ बोलो, हिंदी में बोलते मराठी में शुभ बोल रहे नार्या, हिंदी बोलते शुभ शुभ बोलो, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपको वापस मिलता है, और जो भी आप किसी के बारे में बोलते हैं, कोई व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो वो भी आपको वापस मिलता है। आपको ऐसा करना है कि भाई कौन से व्यक्ति आपके जीवन में है उनके बारे में खूबियां आपको ढूंढने का है,
जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से है, और वो गुण जो है वो गुण के लिए आपको कृतज्ञ होना है, आपको ग्रेटफुल होने का है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज क्वालिटीज ऑफ दोज पीपल, दोज हु आर अराउंड यू, दोज हु आर वेरी क्लोज टू यू, तो उनके बारे में आपको वेरी ग्रेटफुल होने का है। ठीक है। फिर हमने डे टू में देखा स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका जीवन ठीक नहीं होगा। तो आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करना है, और आपके पास में जो भी कुछ है, जो भी हेल्थ आपकी है, तो आपको हेल्थ के बारे में बहुत ही कृतज्ञ रहने का है। जो भी आपके पास में अच्छा है, ना कि जो बुरा है, आपको आंखें अच्छी दी हुई है, आपको दिमाग अच्छा दिया हुआ है, आपके हाथ है, आपके पैर है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, मगर हम उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं होते हैं। आप सब लोग करोड़पति है, करोड़पति अब्जोपति आप सब लोग हैं, क्योंकि आपको अपने बॉडी की कीमत ही मालूम नहीं। ठीक है ना। तो हम स्वास्थ्य हमारा मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारा जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। फिर हमने ये देखा कि जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल, तो हमारी जो अभी हालत है, हमारी जो अभी हेल्थ है, वो अच्छी हो जाएगी और उसमें तुरंत सुधार आ जाएगा, और मतलब सुधार भी आ जाएगा, अच्छी भी हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, राइट। तो हमको हमारे सेहत के लिए, हमारा जो हेल्थ है उसके लिए, जो भी अपने पास में है हेल्थ के बारे में, उसके लिए कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होने का है, राइट। अतीत में मिले धन के लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। जो भी हमको धन मिला हुआ है, अभी आप बच्चे हैं तो बोलेंगे हमको कौन सा धन मिला है, हम तो कमाते नहीं है, मगर आपको धन जो मिला है वो आपके पापा ने दिया होगा, आपके मम्मी ने दिया होगा, आपके लिए बहुत सारा खर्चा किया होगा उन्होंने, आपको स्कूल बैग दी, आपको बुक्स दिए हुए हैं, आपको आपकी स्कूल की फीस भरी है, आपको अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, तो सबके लिए धन लगता है। तो जो भी आपको धन भले ही डायरेक्टली ना मिला हो, इनडायरेक्टली मिला हो, तो उसके लिए भी आपने धन्यवाद बोलना है, धन के लिए जो आपको अभी तक मिला है, ये भी हमने देखा अभी तक। फिर हमने देखा कि जीवन में जो भी चीज, मतलब जो भी चीज पाना है आपको, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास में पहले से है उसके लिए। जो भी आपको नया पाना है ना कुछ, तो ठीक है ना, नया पाना है आपको, नया मिल जाएगा, मगर जो है उसके लिए आपको पहले ग्रेटफुल होना, तो फिर आपको जो भी कुछ है वो मिलेगा। जो भी आपको पाना है उसके लिए पहले जो है उसके बारे में आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। फिर हमने ये देखा डे थ्री में कि जब आप कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको निगेटिव होना, नकारात्मक होना असंभव होता है, और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, ब्लेम करना, ये इम्पॉसिबल है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप दुखी महसूस नहीं करेंगे, कोई भी नकारात्मक भावना भी आपके मन में आएंगी नहीं। तो वट एवर निगेटिव सिचुएशन यू हैव, इफ यू आर ग्रेटफुल अबाउट इट, दैट सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर एंड थिंग्स विल बिकम बेटर एंड बेटर। फिर हमने देखा कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, वट एवर इज द सिचुएशन, नो लाइफ में थ्रो एनीथिंग एट यू, लाइफ में थ्रो एनीथिंग, आप यदि हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब तक जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जान से बदल, जो भी परिस्थिति है, वॉट एवर इज द सिचुएशन, जो भी है वो सिचुएशन में यदि आप ग्रेटफुल है तो डेफिनेटली दैट सिचुएशन विल ट्रांसफॉर्म, दैट सिचुएशन विल चेंज। फिर हमने ये देखा अभी तक कि आपके आप मतलब दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है ना। हम थैंकफुल नहीं है भोजन के लिए, और सिर्फ भोजन के लिए नहीं है, भोजन के लिए जो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, भोजन हमारे तरफ जो जो आदमी पहुंचाते हैं, भोजन हमारी मम्मी बनाती है तो मम्मी के लिए कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है, पापा आप खरीद के लाते तो उनके लिए है, किसान वो खेत में उगाता है, किसान उगाने के बाद में वो मार्केट में माल आता है, मार्केट से फिर आपके घर में आता है, मतलब कितने सारे उसके पीछे लोग काम करते हैं,
आपको एक रोटी खाना है तो आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक रोटी खाने के लिए एक मिनट भी, मगर वो एक रोटी तैयार करने के लिए, मतलब गेहूं आटा और फिर रोटी सेकना, वहां तक कितने लोग उसके पीछे काम करते हैं आपको उसका अंदाजा भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपने उसके प्रति ग्रेटफुल होना है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो पानी है, और पानी के लिए भी हमने कृतज्ञ होना चाहिए। कल्पना करो कि आपके पास में पानी नहीं है, आप सुबह उठते हैं और पानी ही नहीं है, तो जीवन कैसा हो। हमारे तरफ पानी आता है ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आपको समझो आपको दो दिन एक कमरे में रखा और पूछा कि भाई आपको चाहिए क्या, और आप भूखे प्यासे हो तो आप क्या करेंगे, पहले बोलेंगे पानी दो, पहले बोलेंगे खाना दो, सबसे पहले वो चाहेंगे, आप सबसे पहले वो मांगेंगे। तो इतना महत्व का पानी होता है, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने देखा भोजन और पेय पदार्थ कृतज्ञता के जादू का अनुभव तात्काल करने का एक तरीका है कि जो भी हम खाते पीते हैं उसका स्वाद लेना है। जिसे आप खा पी रहे जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, बातें करेंगे और भोजन लेंगे। हमको क्या करना है कि भोजन लेने के समय उसका स्वाद लेना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। वो करेंगे तो रियली देन यू आर ग्रेटफुल अबाउट इट, राइट। धन की लिए भी ऐसी है कि जब आप किसी को धन देते हैं, जब आप किसी को धन का भुगतान करते हैं, तो उसके प्रति हमने कृतज्ञ होना और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करना यदि हम करते हैं तो अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन के जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना। तो पैसे के लिए जो भी पैसा, आप बोलेंगे हमारे पास में पैसा है नहीं, और जो भी पैसा आपके पास में है वो पैसे के लिए आपने कृतज्ञ होना बहुत ही जरूरी है। जब आप कोई किसी को बिल पे करते हैं तो उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। जब कहीं किसी को पैसा देना बाकी है और आपके पास में पैसा नहीं है तो उसके लिए भी वो बिल के ऊपर भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, आपके पास में पैसा आ जाएगा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। यस, देखो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, दिल से किसी भी व्यक्ति को हम देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो जाओ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। आपका जीवन यदि बेहतर बनाना है तो आपके जीवन के लिए वो अनिवार्य भी है, ठीक है ना। तो आप किसी व्यक्ति को जो भी देते हैं वो आपको 100 गुना वापस मिलता है, राइट। उन लोगों के लिए प्रति, उन लोगों के प्रति आप कृतज्ञ बनो जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क है, रिसेप्शनिस्ट है, कैंटीन का स्टाफ है, सफाई कर्मी है, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी है, आपके स्कूल के लोग होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, उन सभी पर धन्यवाद के जादुई धूल का छिड़काव करें। ऐसा समझे कि आपके पास में जादुई धूल है, आपके मुट्ठी में जादुई धूल है, ऐसा इमेजिन करो। और आप जहां जहां जो जो लोगों के पास में जाते हैं, जिनके भी पास में आप है, उनके ऊपर आपने वो जादुई धूल का छिड़काव करने का है, ऐसा डालने का है जादुई धूल, और उनको उसके साथ साथ थैंक यू बोलने का है। जहां जहां जिसके भी पास में आप, जिसके भी साथ में आप है, मैं वो देखना है कि भाई हम सबको कृतज्ञता दे रहे हैं, जादुई धूल दे रहे हैं, और वो जादुई धूल का है कि ग्रेटफुलनेस की है, ठीक है ना। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, है ना। वो पुलिस ने उसको मारा पीटा तो उसके ऊपर उसका ग्रेटफुलनेस नहीं है, चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव है, आपको चॉइस है। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखे कि आपको मदद मिल सकती है कि आपको ये मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त उस किस मुश्किल में वो गुजर रहा है, कौन से मुश्किल में वो गुजर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो कोई समझो आपके आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, पता नहीं कि वो कौन से क्षण में, मतलब कौन से सिचुएशन में है। हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमार है,
हो सकता है कि उसके घर में कोई भूखा है, हो सकता है कि वो कोई मेडिसिन लाने के लिए जा रहा हो सकता है कि इसके साथ में झगड़ा हो गया हो सकता है कि उसके घर में कोई डेथ हो गई हो, पता नहीं कि सामने वाला कौन से कंडीशन में है, हमको पता ही नहीं कि सामने वाला कौन से कंडीशन में है। हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है ना बस उसके ऊपर गुस्सा करता है। हमने हरदम कंपैशनेट होना जरूरी है, करुणा रखना जरूरी है, करुणा रखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि सामने वाला है ना, हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी टूटा हो, या वो अपने जीवन में किसी मुश्किल के मोड़ पर हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। उस समय यदि आप ग्रेटफुल रहते हैं तो उसके लिए वो सबसे मैजिकल हो सकता है। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपने अपने लाइफ में एक मुश्किल का युद्ध लड़ रहा है, और उनको साइलेंट करा, उनको आपने क्या करना है, धन्यवाद देने का है, ग्रेटफुल रहने का है उनके प्रति। आपको पता नहीं कि वो कौन सी सिचुएशन में है, आपको सचमुच पता नहीं, ठीक है ना। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद के शब्द न उछाले। ऐसा नहीं कि उसको थैंक यू बोल दिए, नहीं ऐसा नहीं है। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताए कि आप ग्रेटफुल क्यों हो, ठीक है ना। एक मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मतलब ऐसा नहीं कि फोन पे बोल दिया, उसको बोला थैंक यू चले गए आगे, उसको समझ में भी नहीं आया कि आपने क्या बोला। तो आपको जब भी कभी किसी को थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है, तो उसको बोलना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। समझो आप अपने टीचर को बोल रहे हैं मैं ग्रेटफुल हूं तो क्यों ग्रेटफुल हो, फादर को बोल रहे हैं क्यों ग्रेटफुल है, मम्मी पापा को बोल रहे हैं, ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को, आपके यहाँ आने वाले काम वाले भाई को बोल रहे हैं, एंड आपके यहाँ कुक आती हो कोई तो उसको आप बोल रहे हैं, आपके यहाँ दूध वाला दूध लाता है ना, पेपर वाला न्यूज़पेपर डालता है, अखबार डालता है ना, वो भी देता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको बुखार आता है, डॉक्टर के पास में आप जाते हो, जिसको भी, तो आपने उनको क्या करना है, धन्यवाद देना है और बोलना है कि आप उनको क्यों धन्यवाद दे रहे। आपने बोलना है कि मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, उसने आपको समय दिया है, मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं। जब यह आप छोटी छोटी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास है ना, बहुत हैरान हो जाएंगे आपको प्रतिक्रिया देखते देखते। तो आपने लोगों को धन्यवाद देना है और उसके चेहरे की ओर जरूर देखें, जब तक आप नजरों से नजर मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल का ग्रहण करेगा। तो आपको देखना है, उसके प्रति आंखों में आग डालना है, बोलना है कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हो, थैंक यू, और ऐसा इमेजिन करना है कि आपके हाथ में धूल है, जादुई धूल, मैजिकल डस्ट, एंड दैट मैजिकल डस्ट आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, ऐसा ऑथर ने बोला हुआ है, ठीक है ना। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। सिर्फ धन्यवाद के शब्द हवा में उछाल दिए तो आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि व्यक्ति को धन्यवाद देना है, और व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए सफाई कर्मी के प्रति भी आप सचमुच कृतज्ञ हो सकते हैं, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा भी रोज साफ हो जाए। क्योंकि आप सड़क पर घूम रहे हैं, हमारी सड़कें साफ है, सर्विस लेन साफ है ना। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूं, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती रहती। अभी जादुई सुबह है, जादुई सुबह क्या होती है, जादुई सुबह में ऐसा है कि
आपको यह देखना है कि आप जब उठते हो सुबह, जब भी आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने से जब तक आप काम को लग जाते हैं, मतलब समझो पढ़ाई चालू करना है तब तक, या और कोई काम चालू करते हैं तब तक, जिसके भी संपर्क में आप आते हैं, जो भी चीज आपको सामने आती है उसके लिए आपने धन्यवाद देना है। जब आप उठते हो सवेरे तो क्या होता है, पहले सुबह सुबह उठने के बाद में हमने देना चाहिए धन्यवाद भगवान को कि भाई समझो हम मरे नहीं, हम जिंदा उठे और अच्छा उठे, है ना। तो यू आर ग्रेटफुल टू गॉड, कह रहे मैं तो उठ गया हूं। फिर आप जमीन को पैर टिकाते, देखो पैर के लिए थैंक यू वेरी मच, पैर है करके मैं सुबह सुबह उठ सका, ये तो पैर रहते नहीं तो कहाँ उठता था, कहाँ खड़ा होता था। फिर आप जाते हो बाथरूम में, बाथरूम में जो भी कुछ है, नल है, पानी है, जहां भी आप टच करते हैं उसको आप धन्यवाद देते हो। फिर आप लेते हैं टूथब्रश, टूथब्रश को आपने थैंकफुल रहना चाहिए कि भाई टूथब्रश है करके हमारे दांत साफ रहते हैं। टूथपेस्ट है, टूथब्रश बनाने वाले, टूथब्रश बनाने वाले, टूथपेस्ट बनाने वाले, आपका बेसिन है, नल आ रहा है, पानी है, वो जो टैप है, वो टैप को, वो जो ऑन होता है, वो टैप ऑन करते हो उसको, मतलब सभी को आप जहां 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 जिसके जिसके आप संपर्क में आने वाले हैं, जहां जहां आ रहे हैं उसको उसको आपको थैंकफुल और ग्रेटफुल आपको रहने का है, ठीक है ना। जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज के संपर्क में आप आ रहे हो, तो आपको ग्रेटफुल रहने का है। तो आपको क्या है इसमें, आपने टूथपेस्ट टूथब्रश भी है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, वहां से जो भी चीज को आप हाथ लगा रहे, जो भी चीज, तो उसको आपने धन्यवाद बोलने का है और धन्यवाद कहने का है और महसूस भी करने का है। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं होता। टॉवेल है, साबुन है, दर्पण है, बाथरूम की, मतलब बाथरूम की हर चीज जो है उसके लिए आपको धन्यवाद, जो आपको तरोताजा करता है ना, जागृत करता है दिन के लिए तैयार करने में, मतलब वो तैयार कर देता है, वो महसूस कराते कि तरोताजा महसूस हो, तो उसके लिए। तो आप जब सभी चीज जो है वो एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं, शायद सुबह के पीछे का इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ, ये भी प्रिस्ले ने बोला हुआ। तो सुबह उठने के बाद में एक जादुई सुबह हमको चालू करनी है, हमको एक जादुई सुबह, सुबह सुबह हमको एक जादुई सुबह हमको चालू करनी है, ठीक है। अभी इसके बाद में सबसे महत्व का टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी मैं आपको टॉपिक एक नए टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूं, वो सबसे महत्व का है। जादुई लोग जिन्होंने अपने जीवन में फर्क डाला, है ना, जादुई लोग जिन्होंने हमने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा मैं और ये बता रहा हूं कि जैसे हमारे जीवन में खास ऐसे मौके होते हैं कि हर एक को दूसरे लोगों ने मदद की रहती है, समर्थन किया रहता है, मार्गदर्शन किया रहता है ना। सबसे ज्यादा हमें उन्होंने मदद की रहती है, सबसे ज्यादा, तो उनके वो लोगों के लिए हमने शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। देखो क्या है, मालूम है क्या है कि ऐसे अपने जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं कि जो मौके ऐसे, आप दुखी हो, आपको रोना आ रहा है, आपको सब अपने जीवन में उल्टा पुल्टा हो रहा है, उन्होंने आपको उस समय, ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि उन्होंने बहुत मदद की रहती है। पता नहीं आप कोई मूड में नहीं है अच्छे, बहुत तकलीफ में आप है, हो सकता है कि आपके पिताजी है, आपकी माँ है, वो तकलीफ में, आपकी फैमिली तकलीफ में है, और वो लोग जो है वो लोग आपके जीवन में रहते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको कुछ तो भी बताते हैं, आपको कोई जरूरत होती होगी, कोई प्रोत्साहन की जरूरत होती होगी, कोई मार्गदर्शन की जरूरत होती होगी, और क्या होता है कि वो लोग उस समय आते हैं और आपकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। मगर हम क्या होते हैं, हम वो लोगों को भूल जाते हैं। तो हमको वो लोगों को स्पेशली धन्यवाद देना है कि जो लोगों ने अपने जीवन में असर डाला, है ना, जो लोगों ने अपने जीवन में असर डाला है उनको स्पेशली हमको धन्यवाद देना है। तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बदल डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम उन जादुई लोगों के बारे में
सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह बुझे और अकेले बैठकर उन तीन असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला होगा। तीन लोगों के बारे में आपको सोचना है जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप तीन लोगों को चुन ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और एक से जोर जोर से बात करें जैसे वो आपके सामने मौजूद है, उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हो और उसने आपके जीवन की दिशा किस प्रकार प्रभावित किया। मैं मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मम्मी के जो डैडी थे उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं उनके लिए कृतज्ञ इसलिए हूँ कि मैं जब छठवीं क्लास में था तब उन्होंने उस समय मुझे डायरेक्शन दिया। उन्होंने मुझे उस समय बताया कि नहीं तुमको है ना डॉक्टर बनने का, तुमको डॉक्टर बनने का, डॉक्टर आप बनेंगे ना तो आप सेवा का काम करेंगे, लोगों के काम में आएंगे, स्वार्थ भी होगा परमार्थ भी होगा, अपना घर भी चलाएंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे जो एक दिशा दिया, एक फोकस मुझे करने के लिए बोला, तो उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिशा बताई और उसके लिए उनके लिए मैं वो दिशा बताई उसके लिए और उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं मेरे डैडी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिली, मैं पहली बार नागपुर में गया तो मुझे कुछ मालूम नहीं था नागपुर में क्या करना क्या नहीं, पहले बार घर से बाहर निकला। मैंने उस जमाने में तो बाहर आना जाना, मोबाइल नहीं, फोन नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे साथ में आए, हमने वहां बहुत घूमे फिरे, फिर एक कमरा हमने किराए से लिया, मेडिकल में एडमिशन हुई थी, फिर उनके घर में हम गए तो मुझे कब सेटल कर दिया। मुझे आज भी वो 1972 की बात है, ये मुझे वो आज भी दिन याद है कि उन्होंने जो भी मेरे लिए किया वो मुझे आज भी याद आता है और उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं भी ये जब तैयारी कर रहा था मुझे लगा कि अरे कितने लोगों ने मेरे जीवन में फर्क डाला हुआ है, उनको मैं भूल गया, उनको मैं भूल भी गया कि अरे उन्होंने मेरे जीवन में कुछ फर्क, तो मैं आज उनको उनके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। वैसे आपको तीन लोगों को चुनना है, यदि आपको बड़े बड़े जोर से बात नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, एक पेन लेना है और ऐसे तीन लोगों के बारे में लिखना है जिनसे समझो आप जोर जोर से बात नहीं कर सकते तो लिखना है, और आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ है वो भी लिखने का है। उनके साथ में बात नहीं करनी है, उनको लिखने का है, ठीक है। तो ये आपको काम है आज, ये होमवर्क में है। आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो आपके कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वो भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करते हैं जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता जादुई की शक्ति है। तो ये हमने बताया आपको, इसमें से क्या समझ में आएगा, व्हाट यू गॉट, आपको क्या समझ में आ गया, वुड लाइक टू शेयर, क्या दिख रहा है, या समृद्धि, समृद्धि का हाथ ऊपर है। एक्सक्यूज मी सर, यस, आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज द होमवर्क, कैन यू प्लीज रिपीट इट। यस, आई विल रिपीट द होमवर्क नाउ, आई विल रिपीट द होमवर्क, क्या क्या करना है अभी, है ना, आई विल रिपीट इट, आई विल रिपीट द होमवर्क, देन यू कैन शेयर। ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल रिपीट द होमवर्क एंड वी विल गेट द होमवर्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो अभी होमवर्क क्या है मैं आपको रिपीट करता हूँ, सो दैट यू गेट दैट, यू नो, विल गेट कम्प्लीटली। तो अभ्यास क्या करना है आपको, अभ्यास ये करना है कि अपनी नियामतें गिने, 10 ब्लेसिंग्स यू हैव टू काउंट, 10 ब्लेसिंग्स, राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स एंड बी थैंकफुल। फिर नंबर टू, आज अपनी सेवा देने वाले 10 लोगों को जादुई धूल का छिड़काव करना है, मैजिकल डस्ट उनके ऊपर डालना है। सेवा देने वाले जो भी आपको सेवा देते हैं, वो सेवा देने वाले लोगों को, जैसा हमने देखा ना मुन्ना भाई के पिक्चर में, तो उसने स्वीपर को झप्पी मारा, उसके ऊपर जादू की धूल डाला, तो वो आपको करना है। सेवा देने वाले सभी लोगों को आपने थैंक यू बोलने का है, ठीक है ना। फिर तीसरा है कि जब आप दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले
जादुई शब्द धन्यवाद थे। सुबह जागने के बाद में कोई भी चीज करते हैं तो उसको थैंक यू बोलने का, ठीक है। तो ये है कि तो जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक, आंखें खोलने के बाद तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका भी उपयोग करे उसके लिए मन ही मन में आप जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहे। ये आपको करना है, ये आपको सब मिल जाएगा ऑन योर ग्रुप, ठीक है ना। जिनमें किसी समय शांत जगह पर जाके बैठे और तीन लोगों की सूची बनाए, सागरिका, सागरिका मैं आपसे बात कर रहा हूं, तीन लोगों की सूची बनाने का है ना, तीन लोगों की सूची बनाने का है। और जो लोग उन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला और एक 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 व्यक्ति का नाम लेना है, जोर से बोलना है कि मैं आपके लिए क्यों ग्रेटफुल हूं और उनको थैंक यू बोलने का है। और आज रात सोने से पहले अपना जो जादुई स्टोन है, मैजिकल स्टोन है ना, उसको हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहने का है, ठीक है ना। तो ये आपको आज का होमवर्क है।